अपडेट कर रहे हैं मलक मोहम्मद इमरान कुतुब शाही आवान। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। थाना बटाला कलोनी के इलाका मोहम्मदाबाद में नशे से रोकने पर नशई खावंद का बीवी पर वहशियाना तशद्दुद। 21 साल समन मुतासर। मेडिको लीगल बनवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंच गई। मुलजिम अहमद ने मुतासरा समन पर डंडों से कई वार किए। मुतासर औरत के बयान के मुताबिक इसके ससुर और सास ने समन को बेहोशी की हालत में इसके वालिदैन के घर के बाहर फेंक दिया। समन ने बताया कि मुलजिम अहमद 2 हफ्ते के बाद नशे का इलाज करवा कर घर आया था। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से इसकी पहली बीवी भी इसे छोड़कर चली गई थी। समन ने कहा कि मेरे बार बार नशे से मना करने पर अहमद पहले भी तशद्दुद का निशाना बना चुका है और मुतासरा समन जब भी खुला लेने का कहती है तो कत्ल करने की धमकियां देता है। मुतासरा समन ने वजीर अला पंजाब और आई जी पंजाब से अपील की है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुलजिम अहमद को सख्त सजा दी जाए। मजीद खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल सिटी टीवी 49 न्यूज़ HD। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।